Hello, my name is Avaneli and I am from Government of Water 16 and Secondary School and I am in 11th class. Today, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ये मॉडल हमारे मॉडल का नाम है कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कि विच टाइप वी कंजर्व द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. हमने ये मॉडल में ये बताया था कि जैसे कि हमारे पास कोल माइंस होते हैं तो कोल माइंस के जो गड्ढे होते हैं वो खाली होते हैं, तो उन खाली गड्ढों को हमने यूज किया है कैसे. तो ये आप जैसे देख रहे सोसाइटी है, तो इन सोसाइटी में जो वेस्टेज ऑफ वाटर होता है हम उस वेस्टेज ऑफ वाटर के थ्रू जो वेस्टेज ऑफ वाटर है हम उसको इन कोल माइंस के जो गड्ढे होते हैं उनमें डालेंगे. अब ये फायदा ये है कि इस कोल माइंस से गड्ढे में जाने से उनका फायदा क्या हुआ, तो हमने इस कोल माइंस की जगह पे वाटर वो लगा रखा है, एक आप देख रहे टर्बाइन लगा रखे हैं जिसकी वजह से जो वाटर का फ्लो है वो टर्बाइन पे गिरेगा और टर्बाइन पे गिरने के बाद ये जो टर्बाइन है वो रोटेट होगी और जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे वेस्ट करें. तो हमने इस मॉडल में ये भी किया है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो आपने ये देख लिया सर्किट हमने लगा रखे हैं यहाँ पे कि इन सर्किटों में जैसे कि इस मैंने इसमें एक सेंसर यूज किया है जिसका नाम है एलडीआर. एलडीआर द फुल फॉर्म ऑफ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. तो उसको हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको मॉडल इसकी वर्किंग दिखा सकता हूँ. जैसे कि हम लाइट ऑन करेंगे अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ की जो एलईडी है वो जल गई. तो इस एलडीआर का वर्क यही होता है कि एलडीआर का वर्क यही होता है हमारे पास सेंसर है तो आप देख सकते हैं दिखा सकता हूँ आपको सेंसर. ये सेंसर है एलडीआर, इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. तो यही हमारा जो मेन सर्किट इस सर्किट का जो सेंसर है वो यही सेंसर है. अब इसमें क्या होता है, इसमें दो रजिस्टर है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है. तो जैसे ही पॉजिटिव पे लाइट पड़ती है तो ये ऑल सर्किट जो है सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देता है और जिसकी वजह से जो हमारे पास जो करंट है वो नहीं आ पाता है. बट इसका जैसे ही नेगेटिव रजिस्टेंस पे डार्कनेस पड़ती है लाइट नहीं पड़ती तो ये जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ का करंट है वो सर्किट में पास कर देता है. सर्किट में पास करने के बाद हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल जाती है जिसकी वजह से हमें रात के टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी है वही चाहिए होती है और दिन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं होती रोडों पे. तो हम रात के टाइम में ओनली लाइट जला सकते हैं और दिन के टाइम नहीं जला सकते हैं. बस